नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। देश के पहले खादी मॉल का पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि खादी अब आधुनिकता के साथ बाजार में मौजूद है और इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। बिहार के उद्योग विभाग की तरफ से खादी मॉल की शुरुआत की गई है। उद्घाटन के मौके पर राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक भी मौजूद रहे। खादी मॉल में मौजूद सभी उत्पादों पर फिलहाल 20% की छूट दी जा रही है। 3 मंजिला खादी मॉल में खादी के कपड़ों के अलावा खादी उद्योग की तरफ से बनाए जाने वाले और भी अलग अलग उत्पाद मिल सकेंगे। दरभंगा के मखान से लेकर भागलपुर का मसूर कतरनी चावल और चूरा भी लोग खादी मॉल से खरीद सकते हैं। सुनिए सीएम ने क्या कुछ कहा इस बारे में। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा हाथ बता दीजिए। अच्छा है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। काफ़ी अच्छा काम किया है श्याम श्याम लड़की ने और उनके पूरे। अरे हाँ हाँ हाथ 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 थोड़ा सा पीछे करिए ना, हाथ हाथ भी पीछे कीजिए। मैं सबसे पहले आज के दिन ये खादी मॉल का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि बिहार को हम देश में सर्वोपरि करें, उसी विजन के अंतर्गत था कि खादी मॉल भारत का पहला और सबसे बड़ा निर्माण करे ताकि देश भर के लोग ये जाने कि बिहार में जो कारीगर है, बिहार के कर्मकार है, वो क्या क्या चीज बनाते हैं। पहले खादी को किस रूप में किस्सा के रूप में लोग देखते थे, आज हम यहाँ आएंगे उसी खादी को जो बापू का खादी रहा है, उसी खादी को बापू के सूरत रहा है उसके रूप में और यहाँ पर आधुनिकता के साथ जोड़ कर के और यहाँ पर खादी मॉल जो नीचे आइए ग्राम उद्योग के भी जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, उन चीजों का भी यहाँ पर बिक्री होगी। और आप सब तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।